गाइस वेलकम टू माय चैनल द एक्सपेरिमेंटल फूडी। मेरा नाम है रिया और आज मैं लेके आई हूँ नमस्ते इंडिया की एक और आइसक्रीम। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का हमारा आइसक्रीम है ये नमस्ते इंडिया कप मस्ती का केसर पिस्ता एंड इसकी जो MRP है वो है 30 rupees। इसकी बेस्ट बिफोर है February 2023। अप्रॉक्स 1 year की शेल्फ लाइफ है इसकी भी एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml। एंड इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें है वाटर, मिल्क, सॉलिड, शुगर, सैफरन रिपल 5%, वाटर, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, पिस्ता 3.5% एंड परमिटेड स्टेबलाइजिंग एंड एम्बुलफाइजिंग एजेंट्स। और इसमें है सैफरन 0.01% एंड कार्डमम है 0.15%। और इसमें सिंथेटिक फूड कलर भी यूज़ किया गया है और इसकी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है वो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग में दी गई है जो कि है एनर्जी 230.6 kcal, कार्बोहाइड्रेट 95.7%, एडेड शुगर 16.5, प्रोटीन 3.94 grams, टोटल फैट 12.0 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 4.02, ट्रांस फैट 0 एंड इसकी जो डेली डाइट तो 2000 कैलोरीज की होगी तो उसके हिसाब से दिया है एनर्जी 11%, एडेड शुगर 33%, टोटल फैट 18, सैचुरेटेड फैट 22% एंड फैटी एसिड 0%। तो ये चीज़ प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स। अब हम इसको ओपन करेंगे और टेस्ट करेंगे पर उसके पहले एक क्लोजअप व्यू। ये है इसके ऊपर का लेबल रेड एंड येलो कलर में एंड ये है इसकी कटोरी मतलब कप। इधर लिखा है नमस्ते इंडिया कप मस्ती एंड ये जो आपको दिख रहा है ना ये ब्लैक लेबल, इसमें लिखा है शेल्फ लाइफ है इसकी 12 मंथ्स की एंड इसका जो कलर है वो सारे कप मस्ती का सेम ही है लाइट ब्राउन कलर में। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और टेस्ट करेंगे पर उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने पूरी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो अब चलो इसको ओपन करते हैं। ये लाइट येलो कलर में है हाँ। अब इसको टेस्ट करेंगे। इसकी स्पून मिलती है ये ऐसे, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर से वुडन स्पून निकलेगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। इसका जो ओवरऑल टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सैफरन का इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट है इसमें एंड जो पिस्ता है उसके बिट्स पड़े हैं जो कि एक अच्छी सी बाइट ऐड कर रहे हैं इस आइसक्रीम में। और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड स्मूथ है एंड बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस भी है इसमें केसर की विच इज़ द बेस्ट। एंड इसका जो ये फ्लेवर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड इसमें लग रहा है हाँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो मुझे तो ये फ्लेवर बहुत पसंद आया। आप भी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना आपको कैसा लगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में लिखते जाना आप क्या इस चैनल पर देखना चाहते हो। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग योर फूड।